खंडवा में जॉब कार्ड है फर्जीवाड़ा पर ग्राउंड रिपोर्ट। जनपद पंचायत खंडवा के जावर ग्राम में हुआ जॉब कार्ड में करोड़ों का भ्रष्टाचार। जावर पंचायत के रहने वाले सुदर्शन सिंह पिता सोभाग सिंह ने बताया कि मैंने यहाँ मजदूरी की है, मेरा जो पैसा है वो किसी अन्य खाते में डाल दिया गया है। मैंने पंचायत में कई बार शिकायत भी की लेकिन जो उन्होंने कहा आपका पैसा आया ही नहीं। एक साल तक मैं मेरी मजदूरी के पैसे मांगता रहा। मैंने सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेन करी लेकिन वहाँ से संतुष्टि भरा जवाब नहीं आया। फिर मैं जिला पंचायत में अपर कलेक्टर के पास शिकायत की, उन्होंने भी मेरी बात पर गौर नहीं किया। सीएम हेल्पलाइन में डबल लिखित शिकायत करी, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। मेरी मजदूरी का पैसा जब चेक करवाया तो वह किसी दूसरे के खाते में डाल दिया गया था। मुझे 2021 से लगाकर आज तक मेरी मजदूरी का पैसा नहीं मिला। मेरी माँ भी शांत हो गई और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैंने मेरी मजदूरी का पैसा मांगा लेकिन इन्होंने दिया नहीं। मेरा जॉब कार्ड भी बंद कर दिया गया। मैं काम करूँ तो कहाँ करूँ। मेरी मजदूरी का पैसा 36,500 रुपये था। मेरी माँ और मेरे भाई और मैंने भी मजदूरी की लेकिन हमारे पैसे किसी अन्य खाते में डाल दिए गए। मैंने चेक करवाया लेकिन उसमें नाम नहीं आया कि किसके खाते में पैसे डिपॉजिट हुए हैं। मैं जनपद पंचायत भी चेक करवाने गया लेकिन कोई हल नहीं निकला। कई लोगों ने जॉब कार्ड को लेकर शिकायत की है। 500 जॉब कार्ड अभी बंद हुए हैं। जॉब कार्ड तो ओरिजिनल लगाए थे लेकिन खाता नंबर दूसरों के डाल दिए गए थे। शिकायतकर्ता दिनेश लाड ने भी कहा कि 2021 से जो ग्राम पंचायत भवन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी शिकायत मैंने सूचना के अधिकार पर पहले मांगा, उसके बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, उसके बाद जनपद कार्यालय में शिकायत की, उसके बाद कलेक्टर साहब को शिकायत की लेकिन अभी तक कहीं भी निष्कर्ष नहीं निकला। जावर में 6,000 आबादी है लेकिन भ्रष्टाचार में एक नया गांव ही बचा दिया है। मतलब कि नहीं भी दो परिवार को लेकर एक सहयोग कार्ड बना दिया है, एक आप और एक मैं, दो आदमियों को मिलकर के एक जॉब कार्ड बना दिया है। आपके और हमारे खाते का पेमेंट किसी थर्ड के खाते में जा रहा है। मतलब इस टाइप से करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार इन्होंने मनरेगा के अंदर किया है। तो वहीं दूसरी तरफ सीसी रोड बने ही नहीं है और पेमेंट निकाल लिया गया है। वृक्षारोपण किया ही नहीं और पेमेंट निकाल लिया है। जी भैया, आपका नाम बताइए और क्या? मेरा नाम दर्शन सिंह पिता सोभाग सिंह है और मैंने यहाँ ग्राम पंचायत जावर से मैं हूँ। यहाँ मैंने मजदूरी करी थी तो मेरा जो पैसा है वो किसी अन्य के खाते में डाल के निकाल लिया गया। मैं पंचायत में कई बार मैंने कंप्लेंट भी करी लेकिन जो सहायक सचिव मुकेश तंवर जी थे तो उन्होंने बोला अभी आपका पैसा आया नहीं। फिर मैंने एक साल तक मैं पैसे मांगता रहा मेरी मजदूरी के, तो फिर मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट करी थी तो लेकिन वहाँ से भी कोई संतुष्टि जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने जिला पंचायत में भी अपर कलेक्टर से शिकायत करी, उन्होंने भी मेरी बात में कोई गौर नहीं किया। फिर मैंने अपने सीएम हेल्पलाइन पे डबल लिखित में शिकायत करी, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। और मेरी मजदूरी का पैसा मैंने जब चेक करवाया तो किसी अन्य के खाते में डाल के इन्होंने निकाल लिए और मेरे को आज भी तक मेरी मजदूरी का पैसा नहीं मिला। ये कौन से सन का मामला है? ये भैया 2021 का मामला है और मेरे खाते में कोई पैसा आया ही नहीं मेरी मजदूरी का। और मेरी माँ भी शांत तो हो गई 2 फरवरी को, और मेरी मेरे घर की कंडीशन बहुत खराब थी उस समय। मैंने इनसे पैसा मांगा लेकिन मेरे को पैसा मेरी मजदूरी का मिला ही नहीं मेरे को। इसको जॉब कार्ड घोटाला भी बोल सकते थे? हाँ, तो सर मेरा जॉब कार्ड भी बंद कर दिया गया है। अब मैं मजदूरी भी मैं कहाँ करूँ तो कहाँ करूँ। मेरा जॉब कार्ड भी बंद कर दिया गया है। ये कितने दिनों, मतलब कितने दिनों के पैसे निकालेगा और कितने हजार रुपए है? ये मेरा 36,500 थे मेरी मजदूरी का पैसा। मेरी माँ ने मजदूरी करी, मेरे भाई ने और मैंने, हम तीनों ने मजदूरी करी थी। हमारा पैसा पूरा इन्होंने किसी अन्य के खाते में डालकर निकाल लिया। किसके खाते में गया पैसा ये मैंने चेक करवाया लेकिन नाम नहीं आ रहा उसका। सिर्फ मैंने जनपद पंचायत में भी चेक करवाया लेकिन वो पाटीदार सर थे, उन्होंने चेक करा तो बोले अब वो नाम नहीं आ रहा किसके खाते में डाल के निकाले। और शिकायत के बाद आपका जॉब कार्ड के हटा दिया गया? तुरंत बंद कर दिया गया। मेरा जॉब कार्ड भी बंद है, सब बंद है इसमें। और आपके जो गांव के एक जो आरटीआई कार्यकर्ता है लाड़ जी, उन्होंने भी कई मामलों में शिकायत करी। हाँ, उन्होंने भी कई शिकायत करी। यहाँ सेफ्टी टैंक बना है, शौचालय बना है, उसमें बताते कि टैंक नहीं बना है।
और पानी की टंकी भी नहीं बने, उसमें भी घोटाला है, यहाँ बहुत घोटाले हुए हैं ग्राम पंचायत जावर में। ये जॉब कार्ड का जो आप बता रहे हैं, ये कितने लोगों का और कितना पैसा गबन करा होगा? ये कम से कम 500 जॉब कार्ड यहाँ अभी बंद हुए हैं, और उनकी कार्रवाई बताते कि अभी आए थे वहां से जिला पंचायत से अधिकारी लोग, उन्होंने जांच करी, अब जांच में क्या निकाला उन्होंने मेरे को नहीं जानकारी। तो ये जो जॉब कार्ड थे, मतलब ये 500 जो जॉब कार्ड निरस्त हुए, ये क्या डुप्लीकेट बनाए गए थे? हाँ, ये मतलब जॉब कार्ड तो ओरिजिनल लगाए थे, लेकिन खाते नंबर इनने दूसरे के दे के इन्होंने पैसे निकाल लिए। और कितने कितने ये 500 उसमें कितना पैसा डाला हुआ? जैसे आपका 36,000, मेरा 36,000 है, तो कम से कम लोगों के तो करोड़ों रुपए होंगे। अब कितने 500 जॉब कार्ड में कितना गबन हुआ ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अब हुआ तो है यहाँ गबन ग्राम पंचायत जावर। तो आपकी माता जी का क्या नाम है जिनके जॉब कार्ड से पैसे निकले? कंचन भाई। मेरा भाई का नाम अनिल सिंह और मेरा नाम सुदर्शन सिंह। क्या नाम लिखते हैं आप और कहाँ रहते हैं? सुदर्शन सिंह, ग्राम जावर में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम है सोभाग सिंह। एक्चुअल में कहानी यह है कि मैं वर्ष 21 से ग्राम पंचायत भवन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी शिकायत मैंने सूचना के अधिकार पर पहले मंगा, उसके बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, उसके बाद जनपद कार्यालय में शिकायत की, उसके बाद जिला पंचायत में शिकायत की, उसके बाद कलेक्टर साहब को शिकायत की, लेकिन अभी तक कहीं से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि एक तरीके से यह पूछे जाओ तो यहाँ जावर में आबादी मात्र 6,000-7,000-10,000 के बीच में है, लेकिन भ्रष्टाचार ने एक नया गांव बसा दिया है, मतलब किन्हीं भी दो परिवारों को लेकर के एक संयुक्त जॉब कार्ड बना दिया है, एक आप और एक मैं, दो आदमियों को मिलकर के एक जॉब कार्ड बना दिया है। आपके और हमारे खाते का पेमेंट किसी थर्ड के खाते में जा रहा है, मतलब इस टाइप से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इन्होंने मनरेगा के अंदर किया है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि भाई सीसी रोड, तो सीसी रोड बने ही नहीं है और पेमेंट निकाल लिया है, वृक्षारोपण किया ही नहीं है और पेमेंट निकाल लिया है, उसके बाद में फिर जलधारा कपिलधारा कूप में, यानी जो गरीब लोग हैं जिनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, जो योजनाओं का लाभ लेने में आते हैं जिन उनको किसी को फ़ायदा नहीं मिला, और फ़ायदा मिल रहा है कि और उन्हीं को जो सरपंच सचिव या सहायक सचिव उनसे रिलेटेड है, जो पैसा उनको वापस दे सकते हैं, कुछ पैसा बटनी आपस में कर रहे हैं, कुछ पैसा ये खा रहे हैं, कुछ पैसा उसको दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर के करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया और गांव में काम कुछ दिखता नहीं है, और शिकायतें करो तो कोई सुनवाई है नहीं। मतलब मेरे ख्याल से तो जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं पंचायत ग्राम पंचायत और कलेक्टर के हाथ से भी ये मान लो कि कलेक्टर के जो बाबू लोग हैं या स्टाफ जो है कर्मचारी, मतलब कलेक्टर तक के जनपद से पंचायत से लगा करके कलेक्टर तक के कर्मचारी सारे मिले हुए हैं, अधिकारियों को गुमराह कर देते हैं और अपना काम उल्टा सीधा कर लेते हैं। अब जब ये कहीं से कहीं तक कुछ नहीं हुआ तो मुझे मजबूरन वहाँ तक जाना पड़ा। दूसरा यह है, मैंने सीएम हेल्पलाइन पर जितने भी शिकायतें की थी उन शिकायतों में कहीं से कहीं तक भी इन्होंने सत्य जवाब नहीं दिया। मेरी शिकायत कुछ है, इनके जवाब कुछ है, मतलब एक तरीके से ये पूछा जाए तो इन्होंने सीएम लाइन पे जवाब दे करके, सीएम हेल्पलाइन को अगर सीएम साहब चेक करते होंगे तो उनको भी इन्होंने गुमराह किया है कि जवाब कुछ है, सवाल कुछ। आखिर में मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने मजबूरन बस वहाँ किया। दूसरा, जब मैंने लोकायुक्त में शिकायत तो कर दी है, बस प्रकरण भी पंजीबद्ध हो चुका है, अब देखते हैं वहाँ क्या कार्रवाई होती है। तीसरा, यहाँ तक पहुँचने में मेरे ऊपर काफ़ी दबाव बनाया, मारपीट करने की धमकियाँ दी, मतलब कि हाथ पैर तोड़ देंगे, उसके बाद झूठी FIR मतलब रिपोर्टें डाली, आवेदन दिए झूठे, यहाँ तक कि इन्होंने मेरे को अपने सीएम हेल्पलाइन पर जवाबों में ब्लैकमेलर तक घोषित कर दिया। जबकि अगर पूछे जाए तो मैं यहाँ गाँव का प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मेरी जमीन जायदाद है, मैंने आज तक दान धर्म किया, मेरी आज 65 साल की उम्र तक एक भी मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, जिनको इन्होंने, जबकि चोर ये खुद हैं और मुझे चोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं मजबूर होकर के मैंने लोकायुक्त को शिकायत की है, उसके बाद देखते हैं वहाँ से क्या रिजल्ट आता है, नहीं तो आखिरी में हाईकोर्ट तो है ही। ठीक, नमस्कार। नमस्कार, मैं लोकल 18 खंडवा से सावन पाटिल। जॉब कार्ड जावर को सियाड़ा वाले मामले को लेकर मैं जनपद CEO खंडवा की बाइट लेने आया था, लेकिन मैडम यहाँ पर उपस्थित नहीं है,
मैंने दो बार कॉल मिलाने की कोशिश भी की, उन्होंने रिसीव नहीं किया, उन्हें मैसेज भी छोड़ा गया। और यहाँ के जो बाबू है उन्होंने कहा कि मैडम 5 बजे मिलेंगे,